नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनोज पे। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, ये सब शेयर से जो एडीजी ग्रुप के, तो अभी देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल रहा है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा ये दो कंपनी है अनिल अंबानी के पास जिसको चला रहे हैं। तो रिलायंस इंफ्रा, अगर रिलायंस पावर अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है रिलायंस पावर में बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोग को बीच में बनता हुआ दिख रहा था और स्टॉक अभी यहाँ से थोड़ा तेज़ी बना रहा है। तो अभी ये सब स्टॉक में क्या करना चाहिए रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए दोस्तों, कहीं पर स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों रिलायंस पावर का जो शेयर है बहुत ज़्यादा गिरावट बीच में बनाया था और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर जो अभी स्टॉक में एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। 1.9% का इसने रिटर्न दिया है रिलायंस पावर के शेयर ने। एक हफ्ते के अंदर भी अगर देखेंगे तो 1.9% के आसपास में रिटर्न देखने को मिला है। वन मंथ के अंदर रिलायंस पावर का शेयर 3.5% गिरावट बनाया है दोस्तों। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका जो बोल सकते कि ड्यूरेबिलिटी है रिलायंस पावर के शेयर का वो है 50 out of 100 एंड वैल्यूएशन जो है 44.7 out of 100 एंड मोमेंटियम 31.8 out of 100। अभी दोस्तों टेक्निकली रिलायंस पावर का शेयर हम लोग देखते हैं तो टेक्निकली जो ये शेयर बेयरिश लेवल बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकली जो है रिलायंस पावर के शेयर में बेयरिश लेवल बनता हुआ दिख रहा है। आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है कि भाई ये जो शेयर रिलायंस पावर का ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में, तो ये शेयर में बीच में बहुत ज़्यादा गिरावट बनता हुआ दिखा था। अभी फिर से यहाँ पे एक तेज़ी बन रहा है तो ये शेयर जो है ना ओवरबॉट जोन में भी नहीं, ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है ना कि। अभी मैकडी का जो सिग्नल है, मैकडी कह रहा है कि ये जो शेयर है बेयरिश लेवल बना रहे हैं, तो बेयरिश लेवल पर जो ये रिलायंस पावर का शेयर चल रहा है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों एक हफ्ते के अंदर रिलायंस पावर के शेयर में आप यहाँ पे एक चीज़ दीजिए देखिए, जो इसने एक लो प्राइस बनाया था वो था 10.35 पैसे का और जो इसने हाई प्राइस बनाया था 11.90 पैसे का। तो एक हफ्ते के अंदर स्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनता हुआ दिखा, एक छोटा शेयर, छोटा अमाउंट का शेयर है और वही बात करते दोस्तों वन मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा था। 9.70 पैसे के आसपास ये शेयर पहुंच गया था, मतलब 9.70 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच गया था और जो इसने एक हाई प्राइस बनाया था 11.90 पैसे के इसने एक हाई प्राइस बनाया था। और दोस्तों यहाँ पे 3 महीने के अंदर रिलायंस पावर के शेयर में आप देख सकते जो इसने एक लो प्राइस बनाया था वो था 9.70 पैसे का, 9.70 रुपये का, और हाई प्राइस बनाया था 16.50 पैसे का। तो 16 रुपये के ऊपर ये शेयर पहुंचा उसके बाद ये शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिरावट बनाया था और 9.5 रुपये के आसपास भी पहुंच गया था। यहाँ पे एक दिन का बात करते हैं दोस्तों BSE ने शिमला के रिलायंस पावर के शेयर में जो इसने जो डिलीवरी एवरेज देखने को मिल रहा है एवरेज वो है 35.5 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 27.2% का देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम जो है 9.6 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे है। एक हफ्ते के अंदर बात करते हैं दोस्तों BSE NSE का जो एवरेज है यहाँ पे शेयर का वो है 59.2 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज है 36.6% का, डिलीवरी वॉल्यूम है 21.7 मिलियन का। वन मंथ के अंदर 39.6 मिलियन का जो है यहाँ पे BSE NSE मिला के जो है एवरेज देखने को मिल रहा है शेयर का, एंड जो डिलीवरी परसेंटेज है 42.4% का है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है 16.8 मिलियन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ये शेयर में खरीदारी करना बहुत ही बोल सकते कि ऐसा रहेगा कि आपको जो है बहुत सोच समझ के खरीदारी करना चाहिए अगर आप अभी खरीदारी करते हैं रिलायंस पावर के शेयर में। अभी दोस्तों बात करते हैं इसका जो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जो है, रिलायंस इंफ्रा को लेकर जैसे कि जो है अपडेट भी आया था जहाँ पे दिल्ली में जो इन लोग कंपनी DMR से उसको लेकर भी एक अपडेट हम लोग को देखने को मिला था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर में अभी एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। एक दिन के अंदर स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी बनाया तो रिलायंस पावर भी अभी जो है एक दिन में एक तेज़ी बना रहा है, रिलायंस इंफ्रा में भी तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। एक दिन के अंदर रिलायंस पावर के शेयर में 2.2% का जो है रिटर्न दिया है, वन वीक के अंदर 4.7% का रिटर्न दिया है, वन मंथ के अंदर 19.6% का रिटर्न दिया है। तो रिलायंस इंफ्रा का शेयर जो कि लगभग 190 के ऊपर ही शेयर पहुंच गया, 200 के आसपास ये शेयर पहुंच गया था, उसके बाद रिलायंस इंफ्रा में जो एक गिरावट बनता हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, रिलायंस इंफ्रा का आप देख सकते हैं जो ड्यूरेबिलिटी है 35 out of 100, वैल्यूएशन 46.5 है आउट ऑफ 100 एंड जो मोमेंटियम है 54.1 है आउट ऑफ 100। टेक्निकली बात करते हैं दोस्तों रिलायंस इंफ्रा के शेयर का तो टेक्निकली जो है यहाँ पे देख सकते हैं शेयर जो है न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है।
न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी रिलायंस इंफ्रा का शेयर चल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं कि भाई ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है रिलायंस इंफ्रा का शेयर। एंड मैकडी इंडिकेटर कह रहा है कि मैकडी सिग्नल जो है वो कह रहा है कि ये जो शेयर है रिलायंस इंफ्रा का ये एक बेयरिश लेवल बना रहा है दोस्तों, अभी माफ कीजिए बुलिश लेवल बना रहा है, तो ये शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है ऐसा मैकडी का मानना है। और आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है कि भाई ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में, तो मैकडी यहाँ पे कह रहा है कि शेयर ये तेजी दिखा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अगर एक हफ्ते के अंदर रिलायंस इंफ्रा का शेयर में तो जो इसने एक लो प्राइस बनाया था वो था 135.80 पैसे का एंड हाई प्राइस बनाया था 155.40 पैसे का। तो आप देखेंगे तो एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है रिलायंस इंफ्रा के शेयर में। बात करते दोस्तों यहाँ पे वन मंथ के अंदर जो इसने एक लो प्राइस बनाया था वो था 114.60 पैसे का और जो हाई प्राइस बनाया था 155.40 पैसे का। तो एक हफ्ते के माफ कीजिए एक महीने के अंदर भी इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है रिलायंस इंफ्रा के शेयर ने। तीन महीने के अंदर बात करते दोस्तों, तीन महीने के अंदर इस शेयर में आप देख सकते हैं लो प्राइस बनाया था 114.60 पैसे का एंड हाई प्राइस बनाया था 155.70 पैसे का। तो तीन महीने के अंदर भी इसने एक रिटर्न दिया है। तो देखिए अभी जो रिटर्न हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक में गिरावट बनता है रिटर्न बनता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ होता है कि आप जब शेयर खरीदते हैं कोई भी शेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो वो कितने अमाउंट में लेते हैं और कितने में हम लोग उसको जो है खरीदारी कर रहे हैं शेयर में। तो अगर सही प्राइस में सही दाम में हम लोगों ने मतलब कम प्राइस में अगर खरीदा है कोई भी शेयर को तो बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि रिलायंस इंफ्रा का अगर आप देखते हैं तो अगर 135 रुपये के आसपास भी लिया है और 155-156 के आसपास भी बेचा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया है रिलायंस इंफ्रा के भी शेयर ने। हाँ अगर किसी ने ज़्यादा प्राइस में खरीदा है तो उनको ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिला रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि शेयर आप कब खरीदते हैं और उसको कब बेचते हैं, तो वो सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों एक दिन के अंदर जो यहाँ पे BSE NSE से मिला के जो एवरेज है वो है 2.3 मिलियन का एंड यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज है 39.1% का जो है यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है एक दिन का। एंड बात करते हैं 39.1% का एंड डिलीवरी जो वॉल्यूम है दोस्तों 899.7 के कई यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एंड एक वीक का बात करते BSE NSE से मिला के 3.5 मिलियन का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिलीवरी परसेंटेज जो है 30.3% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो 1.3 मिलियन का है। वन मंथ का दोस्तों BSE NSE से मिला के जो एवरेज है 2.5 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 43.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 1.1 मिलियन का है। तो दोस्तों शेयर यहाँ से थोड़ा तेजी बना सकता है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपको जो रिलायंस पावर या फिर रिलायंस इंफ्रा का शेयर खरीदना चाहिए। आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। आपको क्या लगता है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर को लेकर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनो एज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।